गाइस यार पिछले 3 घंटे से मैं बस ऐसे ही चले जा रहा हूँ लेकिन अभी तक अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा। यार यही होता है यार हमेशा माइनक्राफ्ट में, जब भी मैं कहीं जाता हूँ यार बस ऐसे बेवकूफों जैसा चलता रहता हूँ। एंड यार जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता हूँ तब तक मेरी चप्पलें घिस जाती है, मेरे पैरों में मोच आ जाती है एंड बहुत कुछ गंदा हरकतें हो जाती है। यार बड़ी दिक्कत वाली बात है यार ये माइनक्राफ्ट में कोई गाड़ी नहीं है, ना बाइक है, ना कुछ भी है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। काश इस माइनक्राफ्ट गेम में कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती, कोई गाड़ी होती, काश होती। यार भगवान ने हम लोग की कुछ ज्यादा ही स्पीड में नहीं सुन ली। गाइस यार मेरे को वहाँ सामने एक गाड़ी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है सही में। चलो चल के देखते हैं क्या ये गाड़ी है कि घोड़ा है, आई डोंट नो, लेकिन चलो चल के देखिए। ओ माय गॉड बॉयज, ये तो एक्चुअल में कोई गाड़ी लग रही है। हाँ यार ये गाड़ी है, इसमें रुको बैठ के देखता हूँ पीछे। ऑलराइट, ओ मैं बैठ गया हूँ इस गाड़ी में, सही में बैठ गया मैं आराम से। हम लोग का स्टीव हाथ फैला के आराम से पीछे बैठ चुका है। बढ़िया एंजॉय कर रहा है हम लोग का स्टीव। एंड सही में यार बड़ी मस्त गाड़ी है ये। ओ माय गॉड आई लाइक इट। सही है यार हम लोग इसी में अब बैठ के चलते हैं ना, चलो चलें। अरे नहीं यार ये गाड़ी तो लॉक्ड है यार, ये क्या चक्कर है, किस बदतमीज आदमी ने ये गाड़ी लॉक करके रखी है। कौन मुझ जैसे भोले भाले इंसान को इस गाड़ी के अंदर नहीं आने दे रहा है, आखिर कौन है वो। ओ भाई साहब आप कहाँ से प्रकट हो गए, आप कौन हो, ये क्या लिखा आ रहा था गाड़ी, क्या लिखा है। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ गुफा में जा रहे हो। ओ गाड़ी का मालिक, ओ अच्छा आप ही गाड़ी के मालिक हो। ओ भाई साहब तो ऐसा करो जरा यार मेरे को प्लीज गाड़ी की चाबी दे दो यार, मैंने कभी यार माइनक्राफ्ट में कोई कार नहीं चलाई है, मजा आएगा यार चलाने में यार, प्लीज दे दो। अरे दे दो ना, कहाँ जा रहे हो, केव में क्यों जा रहे हो यार, गाड़ी के मालिक जी मेरे को गाड़ी की चाबी दे दो। चल बे छोटू पतली गली से निकल। अरे यार भाई साहब ये कौन सी तमीज होती है, मैं छोटू छोटा नहीं हूँ यार मैं इतने तमीज से आपसे गाड़ी की चाबी मांग रहा हूँ, प्लीज दे दो ना। अच्छा ठीक है नहीं देनी आपको गाड़ी की चाबी, भाड़ भी जाओ मत दो, एटलीस्ट मेरे को ये तो बता दो आपने ये गाड़ी खरीदी कहाँ से है, मैंने कभी माइनक्राफ्ट में कोई गाड़ी नहीं देखी, कहाँ से इम्पोर्टेड गाड़ी मंगाई है एटलीस्ट बता दो भाई साहब। बाबू के पास जाओ। अरे यार भाई साहब ये सब क्या बोल रहे हो यार, मैं आपकी बाबू सोना के पास जाके क्या करूंगा, ये सब आप कैसी नोटी नोटी बातें कर रहे हो मेरे साथ। अबे बेवकूफ मेरा मतलब है कि बाबू गैराज में मिलती है गाड़ी, पास के विलेज में जाओ और खरीद लो। ओ अच्छा ऐसा है, बाबू गैराज नाम की गाइस कोई दुकान है बोल रहे हैं वहां पे ये गाड़ियां मिलती है, एंड हम लोग वहाँ पे जाके हम लोग भी वो गाड़ी खरीद सकते हैं। ओ वाओ नाइस वेरी गुड, थैंक यू सर जी, थैंक यू फॉर टेलिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गाड़ी के मालिक जी। अब आप ही केवल ओनली गाड़ी के मालिक नहीं बचोगे क्योंकि अब थोड़ी देर में हम लोग भी गाड़ी के मालिक बन जाएंगे, हम लोग भी गाड़ी खरीदेंगे। एंड यस बॉयज काफी मजा आएगी, सो चलो यार चलते हैं। इन भाई साहब का कहना है कि कोई पास का विलेज है वहीं पे वो गैराज की दुकान है, तो चलो वो यार हम लोग देखते हैं पास में विलेज किधर पे है, भाई साहब किधर पे है पास में विलेज। ओके तो गाइस यार थोड़ा ही से चलने के बाद मेरे को दिखाई देने लगा है वहाँ पे विलेज, ये देखो पास में ही है, सो आई गेस यार यही वाला विलेज है जहाँ पे बाबू का गैराज हम लोग को मिलेगा, तो चलो चलते हैं। एंड बाय द वे यार अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं कि ये हम लोग की सर्वाइवल सीरीज नहीं है माइनक्राफ्ट की, ये दूसरी टाइप की सीरीज है, सो कृपया करके कंफ्यूज मत होना, सर्वाइवल सीरीज हम लोग की चल रही है वो चलती रहेगी। एंड ये हम लोग की दूसरी वर्ल्ड है जहाँ पे हम लोग दूसरी टाइप की चीजें करेंगे। यस ये मेरे को बताना था, वैसे ऑब्वियस सी चीज है यार, आई नो तुम लोग समझदार हो समझ ही गए होगे बट फिर भी मैंने बता दिया। एंड लो हम लोग पहुंच गए हैं विलेज में, वाओ ओहो मैं पहली बार किसी विलेज में आया हूँ, लाइक माइनक्राफ्ट में मैं अभी तक किसी विलेज में नहीं गया अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी, सो यस ये काफी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है यार, सबके पहले से यहाँ पे घर बने हैं। ऑफ कोर्स यार विलेज है तो अपने अपने लोग का घर तो बनाते रहते होंगे, यहाँ पे विलेजर्स भी तो होंगे, विलेजर्स कहाँ पे हो, अरे मेरे से मिल तो लो, यहाँ पे तो कोई नहीं है विलेजर, आई गेस यार घर के बाहर होंगे। अरे वो है एक विलेजर, अरे हेलो जी व्हाट्सअप। ओ अच्छा ये आई थिंक ये फार्मर विलेजर है, बढ़िया टोपी फार्मर वाली लगाए तो आई थिंक ये फार्मर ही विलेजर है, चलो बढ़िया है आप अपनी क्रॉप्स ग्रो करते चलो। एंड अब चलो हम लोग ढूंढते हैं यार बाबू का गैराज, यार ये बाबू सोना कहाँ है मेरा। बाबू किधर हो तुम, आ जाओ मेरे पास, शर्माने वाली बात नहीं है बाबू। ओके गाइस यार वहाँ पे देखो गाड़ी खड़ी है, तो आई थिंक यार यही बिल्डिंग है क्या हम लोग की, बाबू का गैराज वाली। चलो यार चल के देखते हैं डोर किधर है। एंड ओके ये रहा हम लोग का मेन गेट, आई गेस सो यस यार यही एंट्री है। एंड ये देखो ये लिखा है बाबू का गैराज। चलो बाबू सोना के गैराज में हम लोग आ चुके हैं, वैसे यार बहुत गंदा नाम रखा है बाबू। एंड ये पक्का ही गैराज है, देखो ये वो कोन्स रखे हुए हैं यहाँ पे जो कि यार रोड में रखे जाते हैं, वही वाले सेम कोन्स हैं। एंड इवन टायर वायर भी टंगे हुए यहाँ पे, तो पक्का ये गैराज है। एंड गैराज में आई थिंक यार एंटर करने के लिए हम लोग को ये घंटा दबाना पड़ेगा, आई गेस यार हम लोग को घंटा दबाना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे घंटा लगा के रखा है। एंड तुम लोग को भी एक चीज दबानी पड़ेगी दोस्तों, तुम लोग को दबाना पड़ेगा सब्सक्राइब वाला बटन, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब मैं ये घंटा दबाऊं साथ में सब्सक्राइब का बटन दबा देना। यार चलो यार एक साथ दबाया जाए, तुम लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ, मैं इस घंटे को दबाता हूँ। 3, 2, 1 एंड
ओहो, क्या ही मधुर आवाज थी इस घंटे की। एंड आई गेस यार अब हम लोग एंटर कर सकते हैं इस गैराज में। सो बाबू भैया मैं आ रहा हूँ आपके गैराज में, मैं आ रहा हूँ और आपके यहाँ पे गाड़ी लूंगा। एंड ओहो ये देखो यार यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। एंड ये हम लोग के आई थिंक बाबू द मैकेनिक बॉय है। एंड यस ये देखो लिखा हुआ है इनमें बाबू भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे को यहाँ पे गाड़ी लेनी है, मैं यहाँ गाड़ी लेने के लिए आया हूँ। बाबू भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बाबू भैया भाग रहे हैं। बाबू भैया नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, हट बेवकूफ बाबू भैया। अबे भाई कैसे दुकानदार आदमी हो तुम, बाबू भैया तो भाग गए। बाबू भैया यार मेरे को गाड़ी लेनी है। कूतरिया अरे सॉरी बाबू। चल बे भिखारी छुट्टा नहीं है। अबे यार बाबू भैया मैं भिखारी थोड़ी हूँ यार, मैं यार शॉपिंग करने आया हूँ, मैं आपका कस्टमर हूँ, गाड़ी लेने आया हूँ। मेरे कपड़ों पे मत जाओ, आई नो मैं थोड़ा नूबड़ा सा लगता हूँ इन कपड़ों में, मैंने बेसिक वाले कपड़े पहने, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं भिखारी हूँ, आई एम वेरी वेरी रिच। सो बाबू भैया फटाफट बताओ यार गाड़ी कितने की है। यार फालतू बातें मत करो, गाड़ी फॉर 25 डायमंड्स एंड बाइक फॉर 15 डायमंड्स। यार बाबू भैया क्या कर रहे हो यार, आप गरीब आदमी से बदतमीजी क्यों कर रहे हो यार? जीवन में मैंने तो कभी डायमंड देखा नहीं और आप मुझसे 25-25 डायमंड मांग रहे हो एक गाड़ी के। यार कुछ डिस्काउंट दो ना, स्पेशल डिस्काउंट में आपकी दुकान में पहली बार आया हूँ। यार अंडे के बदले नहीं मिलेगा प्लीज, यार मेरे पास एक अंडा है, अंडे के बदले गाड़ी दे दो प्लीज, दे दो ना प्लीज। चल भाग भिखारी। अरे यार बाबू भैया मैं भिखारी नहीं हूँ। ठीक है यार बाबू भैया आपको 25 ही डायमंड चाहिए गाड़ी के लिए, तो ठीक है अपुन 25 डायमंड लाएगा, तेरे मुंह पे मारेगा, उसके बाद तुझसे गाड़ी खरीदेगा, अपुन वापस आएगा। बाबू भैया ये मत समझ लेना बाबू भैया कि मैं डर गया हूँ, मैं 25 डायमंड लाऊंगा, चाहे जैसे लाऊं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने 25 डायमंड लाऊंगा और वो गाड़ी खरीद के ले जाऊंगा बाबू भैया। ओके तो गाइस यार हम लोग ने बाबू भैया से अच्छे से बोल तो दिया कि यार चाहे जो हो जाए हम लोग 25 डायमंड लाएंगे, लेकिन हम लोग लाएंगे कैसे? यार मैंने अपने जीवन में एक डायमंड तो देखा नहीं है माइनक्राफ्ट में, मैं 25 डायमंड कहां से लाऊंगा यार, अब क्या किया जाए? ओके तो गाइस यार इस विलेज में यार कई सारे घर हैं, लाइक कई सारे विलेजर्स रहते हैं तो उन सबके घर हैं, तो हम लोग ऐसा करें क्या यार, हम लोग चुपचाप यार डकैती मार ले आइविंडो से। यार इतने सारे घर हैं तो हम लोग ऐसा चुपचाप जाते हैं, हर एक घर में थोड़ी थोड़ी चोरी करते हैं, मे बी यार हम लोगों को डायमंड्स मिल जाए, आई डोंट नो। चलो यार यही करते हैं, ये विलेजर्स तो यहाँ पे बढ़िया अपना काम कर रहे हैं, तो कोई भी यार इनके घर में नहीं होगा, तो हम लोग आराम से जाते हैं, आराम से बस कोई हम लोग को देख ना पाए, कोई देख तो नहीं रहा है, ये विलेजर उधर पे देख रहा है, तो आराम से धीरे से घुस जाते हैं। एंड बहुत ही बढ़िया हम लोग आ गए घर के अंदर। अरे यार यहाँ पे तो कोई चेस्ट नहीं है, इवन बेड भी नहीं है, कैसे फटीचर विलेजर्स रहते हैं यहाँ पे, बेड तक नहीं है यहाँ पे। खैर कोई ना, हो सकता है ये गरीब विलेजर का घर हो, मे बी कोई अमीर, हम लोग दूसरे विलेजर के घर में जाते हैं, मे बी उसके हम लोग को मिल जाए। सो लेट्स गो चलते हैं। ओके ये वाला घर अच्छा लग रहा है, इसके घर में चल के देखते हैं। यार ये क्या है, पता नहीं क्या चीज है ये, ब्रूइंग स्टैंड करके लिखा है, पता नहीं यार ये सब बड़ी हाई फाई चीजें हैं, इतना मैं प्रो हुआ नहीं हूँ माइनक्राफ्ट में तो मेरे को कुछ पता नहीं इनके बारे में। ऑल राइट चलो चलते हैं। ओके अंदर, अरे इस घर के अंदर तो कोई है। सॉरी भाई साहब मैं आपके यहाँ कुछ भी गलत हरकत करने नहीं आया था, चोरी तो बिल्कुल भी करने नहीं आया था, मैं बस यार देखने आया था कि आपका घर कितना अच्छा है, आपने बहुत अच्छा घर डिजाइन किया है। ओके तो गाइस आई थिंक यार इस आदमी को हम लोग पे शक हो गया है, बार बार यार घर से बाहर निकलता है, हम लोग को देखता है एंड फिर वापस घर के अंदर चला जाता है। ये देखो वापस चला गया घर के अंदर, यार इसको हम लोग पे शक हो गया कि हम लोग इसके घर में चोरी करने वाले हैं, तो चलो यार इसके घर से दूर चले जाते हैं। एंड इसके सामने दूसरा घर है, यहाँ से चोरी करते हैं, मे बी यार इसमें कुछ मिल जाए। ओ चेस्ट एक और है, एंड इसमें हम लोग को एक कंपास मिल गया है, लेकिन अभी भी यार हम लोग को एक भी डायमंड नहीं मिला है। एंड अब मुझे नहीं लगता यार कि डायमंड है इन विलेजर्स के पास, ये सारे विलेजर्स भी हम लोग की तरह भिखारी हैं। मुझे ये पता चल चुका है सारे के सारे विलेजर्स भिखारी टाइप के हैं, किसी घर में कुछ भी नहीं है। और मे बी नॉट यार, ऐसा हो सकता है ना कि इन विलेजर्स ने चेस्ट में डायमंड रखे ना हो, क्योंकि डायमंड काफी महंगी चीज है, तो हो सकता है यार ये लोग डायमंड अपने साथ लेके चलते हो लाइक जेब वेब में, ताकि उनके घर में अगर चोरी हो तो डायमंड ना जाए। आई थिंक सो ऐसा हो सकता है। तो अब ऐसा करते हैं, विलेजर के पास हम लोग जाते हैं और उनका पैर पकड़ लेते हैं। यस यार ये दूसरे का गांव है यार, यहाँ पे ज्यादा गुंडागर्दी नहीं करेंगे, अपनी रामपुरी चाकू उनके गले में लगा के उनसे पैसे हथियाएंगे नहीं हम लोग, बल्कि हम लोग उनके पैर पकड़ के थोड़ा सा लोन लेंगे। आई गेस सो लोन शायद कोई दे दे, आई डोंट नो, लेकिन चलो चल के देखते हैं। कोई विलेजर है यहाँ पे? हेलो विलेजर्स व्हाट्स अप, कहाँ पे हो तुम लोग, कहाँ पे हो? कोई विलेजर यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब विलेजर्स? ओके तो यार वहाँ पे मेरे को एक फार्म वाला विलेजर दिखाई दे रहा है, चलो यार इसी से बात करके देखते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इसके पास इतना पैसा होगा, क्योंकि इसका बहुत छोटा स्वाम है, लेकिन लेट्स सी। हेलो भाई साहब, यार जरा मेरे को आपसे बोलना था कि यार मेरे को थोड़े पैसों की जरूरत थी, बस 25 डायमंड्स की जरूरत थी, आप प्लीज मेरे को दे सकते हैं? प्लीज इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल अगर आप मुझे दे देंगे, मैं वापस आपको सूद समेत वापस कर दूंगा, डोंट वरी। मैं जबान का बहुत ज्यादा पक्का हूँ, ऐसा तो है नहीं है बिल्कुल भी कि मैं आपके डायमंड चोरी करके भागूंगा, नहीं। मैं आपके डायमंड बस 2-3 दिन में वापस कर दूंगा, बस मुझे आप आज के लिए लोन दे दो, प्लीज प्लीज दे दो ना, प्लीज।
गाइस यार इसने तो लगता है सही में डायमंड दे दिया हम लोग को। वो देखो उसने अपने जेब से डायमंड फेंके एंड अब ये यहीं पे पड़े हुए हैं। चलो इसके उठा के देखते हैं। ओ माय गॉड गाइस यार लिटरली हम लोग को 25 ही डायमंड्स मिल चुके हैं जितने हम लोग ने मांगे थे इन भाई साहब से। थैंक यू यार भाई साहब, आप यार बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने आपसे एक बार मांगे और आपने मुझे डायमंड दे भी दिए सही में। थैंक यू। कुछ नहीं, 3 दिन में मेरे को 30 डायमंड्स दे देना, नहीं तो काट के रख दूंगा। ओके विलेजर जी, दे दूंगा यार आपको आपके 30 डायमंड। दे देना वरना काट के रख दूंगा। अरे हाँ दे दूंगा ना, 3 दिन में पक्का डायमंड वापस कर दूंगा। ओके तो गाइस यार थोड़ी सी धमकियों के बाद हम लोग को हमारे 25 डायमंड मिल चुके हैं एंड हम लोग को बोला गया है कि 3 दिन में हम लोग को डायमंड वापस करने हैं, वो भी 5 डायमंड एक्स्ट्रा, 30 डायमंड। लेकिन ठीक है यार, 3 दिन की बात वाली चीज हम लोग 3 दिन बाद देखेंगे, अभी तो यार हम लोग अपनी गाड़ी खरीद ले, लेट्स गो। तो चलो चलते हैं एंड इस बाबू भैया के मुंह पे सारे डायमंड मार के आते हैं एंड अपनी गाड़ी लेते हैं। सो बाबू भैया रुको एक मिनट, घंटा दबा दो जरा। घंटा दबा के हमेशा एंट्री करनी चाहिए किसी घर में। लो दबा दिया घंटा एंड बाबू भैया मैं आ चुका हूँ, मुझे अब अपनी गाड़ी दे दो। ये लो सारे डायमंड, ये लो सारे मुंह में लो अपने सारे के सारे डायमंड, ये लो और मेरे को मेरी गाड़ी दे दो। ओ वाओ कस्टमर जी, आपकी गाड़ी बस थोड़ी देर में आ रही है। देखा गाइस, थोड़ा सा पैसा बस इसके हम लोग ने मुंह पे फेंका और ये अब हम लोग को कस्टमर जी बोल के इज्जत देने लगा। एंड ये बोल रहा है कि यार बस थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है, सो चलो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ओके तो गाइस हम लोग की गाड़ी आ चुकी है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेरी की गड्डी। एंड पता नहीं यार गाइस यार ये किस टाइप की गाड़ी है यार, आई मीन यार ये तो एक चेस्ट है, पता नहीं यार मे बी चेस्ट के अंदर गाड़ी हो सकता है यार, माइनक्राफ्ट का कोई भी लॉजिक हो सकता है, बट लेट्स चेक आउट ये क्या चक्कर है। ओके तो गाइस इस चेस्ट के अंदर हम लोग पास ए जेरी फ्यूल कैन है, देन एक की है, एक चाबी है गाड़ी की, देन टायर है, ये क्या चक्कर है। टायर क्यों दे रहे हैं, स्प्रे कैन है और रेंच है, इंजन है, ये सब क्या है भाई। अबे ये सब क्या है बाबू भैया, अबे गाड़ी मंगाई थी तुमने, गाड़ी के पुर्जे क्यों दे दिए। अबे बाबू कहाँ गए बे, बाबू भैया ये कौन सा नशा करते हो आप। अबे मैंने गाड़ी मंगाई थी, तुम ये क्या पकड़ा दिए मुझे, ये जेरी कैन और ये इंजन का मैं क्या करूंगा, मैं कोई मैकेनिक थोड़ी हूँ, गाड़ी कैसे बना पाऊंगा। सेल्फ सर्विस है बॉस, खुद बनाओ खुद चलाओ। अबे ये क्या बदतमीजी है बे, बाबू भैया तुम कसम से बहुत बड़े वाले हो यार, ऐसा कहाँ होता है यार, गाड़ी खरीदने पे कौन यार अंजर पंजर देता है। गाड़ी देनी थी तुमको, वहाँ पे गाड़ी खड़ी तो है, एटलीस्ट मेरे को वही दे देते। हाँ ठीक है छोटी गाड़ी है लेकिन मैं काम चला लेता, तुम साले अंजर पंजर दे के हमें ठिकाना लगाने चाहते हो, लेकिन ठीक है यार ठीक है। क्या होता है यार एक गाड़ी बनाने में, क्या ही होता है, 4 टायर लगाने होते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल डालना होता है, थोड़ा इंजन लगाना होता है और एक बॉडी चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए यार। आई डोंट थिंक यार गाड़ी बनाने में कोई ज्यादा लफड़ा होगा, झंझट होगा। तो यस बस यार हम लोग को गाड़ी बनाने के लिए जैसा बाबू भैया ने बताया है हम लोग को यार इस वर्क स्टेशन पे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम लोग की गाड़ी बनेगी। एंड ओके हम लोग का मेन्यू ऑन हो गया, यहाँ पे हम लोग कई तरीके की चीजें बना सकते हैं हम लोग। ओके डर्ट बाइक बना सकते हैं, ड्यून बाइक बना सकते हैं, फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, ओ वाओ एंड इवन फ्लूइड ट्रेलर, ओ वाओ कई चीजें हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यार हम लोग को गाड़ी चाहिए, ये सब आज हम लोग बनाने नहीं आए हैं यार, मेरे को गड्डी चाहिए, गड्डी किधर पे है दोस्त। एंड ओहो मिल गई हम लोग को हमारी गड्डी, ऑफ रोडर गड्डी, यही बनानी है हम लोग को। एंड इसके लिए हम लोग को चाहिए लार्ज इंजन एंड व्हील्स। ओके एंड दोनों हम लोग पास है, लार्ज इंजन है ही हम लोग का, ये डायमंड टियर का, डायमंड लेवल का लार्ज इंजन है तो हम लोग ये यहाँ रखते हैं। एंड देन एक व्हील चाहिए, व्हील भी हम लोग पास है ऑफ रोडिंग व्हील, तो ये रखा। एंड देन हम लोग की गाड़ी तैयार है, बस अब हम लोग को क्राफ्ट दबाना है। एंड देन हम लोग की गाड़ी आई गेस हम लोग को मिल गई, आई गेस सो। ओ आवाज तो आई हम लोग को, आई गेस मिला है कुछ, गाड़ी गड्डी 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 किधर गई गड्डी तुम गड्डी। एंड ओके ये रही गड्डी, व्हीकल क्रेट, अच्छा आई थिंक यही हम लोग की गड्डी है, चलो ट्राई करते हैं, चलो इस व्हीकल क्रेट को ले चलते हैं। एंड अब यहाँ पे हम लोग स्पॉन करते हैं, गाइस तैयार हो जाओ, 3, 2, 1 एंड ओह माय गॉड, गोल चक्कर लगा के हम लोग की गाड़ी आ गई है। ओह माय गॉड बड़ी मस्त लग रही है यार ये गाड़ी। एंड आई थिंक अब इस गाड़ी में हम लोग को पेट्रोल डालना पड़ेगा, आई गेस सो। चलो पेट्रोल डाल देते हैं, पेट्रोल ये रहा जेरी कैन हम लोग के पास, ये जेरी कैन हम लोग ने लिया एंड जेरी कैन का यूज करके पेट्रोल डटर गटर डटर 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 पटर पटर चटर चटर हम लोग ने पूरा डाल दिया, बहुत बढ़िया। एंड अब हम लोग के पास चाबी तो है ही, तो यस ये रही चाबी, तो चाबी लगा
लगाते हैं एंड हम लोग चलते हैं गाड़ी चलाने, मजा आएगा आई गेस। ओके यार, ओके यहाँ से एंट्री है, चलो इसमें दबाया जाए। व्हीकल सक्सेसफुली लॉक्ड विद दिस की, अच्छा नहीं लॉक किया अब हम लोग ने, चलो अनलॉक कर देते हैं एंड बहुत बढ़िया अनलॉक हो गई। एंड अब चलो इसमें बैठ जाते हैं, ओ माय गॉड गाड़ी में हम लोग बैठ गए। यस ऊपर देखो लेफ्ट साइड में हम लोग को दिखा भी रहा है फ्यूल कितना है, 25,000 में से हम लोग के पास 5,000 फ्यूल है। चलो ठीक है यार, अभी के लिए काम चल जाएगा। एंड ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, क्या चक्कर है? एक मिनट, क्या चक्कर है? फ्यूल है तो, फ्यूल मैंने डाल दिया था। A few moments later. Okay, all right, चल गई गड्डी अपनी, पता नहीं क्या हुआ लेकिन चल गई। And all right, अब चलो गाड़ी चलाई जाए दोस्तों। Wow, पानी के अंदर, पानी के ऊपर भी चल जाती है। Oh my God, यार ये गाड़ी बड़ी खतरनाक है। ओए होए होए होए। Oh yeah! कहाँ गए बाबू भैया? बाबू भैया के ऊपर रखो गाड़ी, चलाने दो मुझे, साले ने बहुत तंग किया है। कहाँ गए बाबू भैया तेरी ऐसी तैसी? बाबू भैया तेरा बाबू सोना मैंने नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी पेरी कोच वाइट नहीं। ये रे बाबू भैया तेरी ऐसी तैसी, बाबू भैया ये ले सलमान भाई मोड ऑन, सलमान भाई मोड ऑन ये ले। अरे अरे बाबू भैया आर पार हो जाते हैं यार गाड़ी के, यार कोई जादू अलौकिक शक्तियां है लगता है बाबू भैया के पास। बाबू भैया आजा, बाबू भैया यार अब तुम मर तो नहीं रहे हो तो ठीक है, ऐसा करो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा गाड़ी। अरे यार गाड़ी के आर पार नहीं होना है, गाड़ी में बैठ जाओ ना। अरे मैं कुछ नहीं करूंगा यार, बैठ तो जाओ। अरे जाओ यार, तुम्हें बैठना नहीं है तो मत बैठो। मैं चला यार एक और बार इसको गाड़ी चलाने, लेट्स गो। बड़ी कस की चलती है ये गाड़ी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंड पता नहीं चल के इस गाड़ी में अजीब सी डिजाइन आ गई है लेकिन मस्त है यार गाड़ी। एंड इवन इस गाड़ी में हम लोग चाहे तो आराम से पीछे बैठ के, आराम से हाथों को फैला के बैठ के जा सकते हैं, बिल्कुल राजा बाबू बन के। एंड इवन हम लोग पैसेंजर सीट में भी बैठ सकते हैं। हाँ हम लोग चाहे तो अपने दोस्त से गाड़ी चलवा सकते हैं, आई मीन तो अपने ड्राइवर से गाड़ी चलवा सकते हैं एंड बढ़िया बैठ के जा सकते हैं। मजा आ गया, वेरी नाइस। लेकिन यार इसका गाड़ी का कलर यार व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है, तब से व्हाइट ही गाड़ी दिख रही है इसमें। यार हम लोग को एक स्प्रे पेंट मिला तो था, हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? कहाँ गया स्प्रे पेंट? ओके ये रहा, नो कलर, बट इसमें नो कलर लिखा हुआ है। चल ट्राई करते हैं स्प्रे पेंट से। नहीं यार स्प्रे पेंट काम नहीं कर रहा। ओ अच्छा मैं समझ गया हम लोग का स्प्रे पेंट काम क्यों नहीं कर रहा था। एक्चुअल में यार हम लोग को डाई यूज करनी पड़ेगी फिर हम लोग का स्प्रे पेंट काम करेगा। सो हम लोग को क्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो यार हम लोग को सर्वाइवल में गेम मोड डालना पड़ेगा। सो गेम मोड सर्वाइवल टैब एंटर, ऑल राइट सर्वाइवल में हो गए। अब हम लोग को क्राफ्ट करना पड़ेगा डाई को और स्प्रे पेंट को। स्प्रे पेंट काम कर गया, ये रहा स्प्रे पेंट एंड हम लोग को एक ग्रीन स्प्रे पेंट मिल गया क्योंकि हम लोग ने ग्रीन डाई यूज करी थी। एंड अब हम लोग इसका यूज करके पूरी गाड़ी को स्प्रे कर सकते हैं। ओह माय गॉड मस्त लग रही है एकदम गाड़ी। मस्त है एकदम। एंड अब हम लोग इस गाड़ी में बैठ गए, इस गाड़ी को चला सकते हैं लेकिन ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? आई गेस यार इस गाड़ी में, अच्छा फ्यूल खत्म हो गया इसलिए नहीं चल रही। अब बाबू भैया यार फ्यूल तो अच्छे से दे देते, बस जरा सा फ्यूल कैन दिया है, और फ्यूल निकालो जल्दी निकालो। ऑलराइट बाबू भैया ने हम लोग को फ्यूल दे दिया, 3 फ्यूल दे दिए, चलो सही है काफी फ्यूल मिल गया है। एंड अब हम लोग फ्यूल पुटर 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 डाल देते हैं, बहुत बढ़िया डल रहा है हम लोग का फ्यूल। ओ दोनों हाथों में हम लोग फ्यूल टैंक पकड़े हैं, चलो सही है अच्छे से सारा फ्यूल डाल देते हैं, तीनों डब्बों का डाल देते हैं जो हम लोग को मिला है, इसका भी डाल दिया जाए, सारा डाल देंगे हम लोग फ्यूल, जल्दी जल्दी डल जाओ। एंड ऑलराइट तीनों डब्बे हम लोग ने खाली कर दिए। अब चलो गाड़ी में बैठ जाए, देखो 15,000 फ्यूल हो गया हम लोग के पास, हम लोग अब फुल स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, लेट्स गो। यार गाड़ी के हालात पता नहीं क्यों टूटी टूटी से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है गाड़ी टूटने वाली है पता नहीं क्यों। चलो फुल स्पीड में भगाते हैं, देखा जाएगा टूटेगी तो। अबे ये क्या है? अरे यार लावा के अंदर में जल्दी चला गया। अरे नहीं, अरे बचाओ मुझे कोई। अरे मेरी गाड़ी भी बंद हो गई पता नहीं क्यों एकदम से। अरे बचाओ कोई, अरे मैं मरने वाला हूँ, नहीं मर गया। Very good, my burn to death. Oh my God, and हम लोग फिर से एक रैंडम जगह पे आ चुके हैं। ओ माय गॉड हम लोग खो गए लेकिन इट्स ओके क्योंकि हम लोग ने गाड़ी चला ली एंड सही में बड़ा मजा आया, हम लोग ने मस्त गाड़ी क्राफ्ट करी, मस्त चलाई। एंड आई होप तुम सबको इस पूरी वीडियो में मजा आया हो, अगर आया देन मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अब मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यार कि अब हम लोग को और कुछ क्राफ्ट करना चाहिए कि नहीं। आई मीन टू से अभी भी हम लोग के पास वो बाइक्स वगैरह और पता नहीं कितने सारे व्हीकल्स बचे हैं, तो क्या हम लोग को वापस से बाबू भैया के गैराज में जाना चाहिए एंड फिर से क्या कुछ क्राफ्ट करना चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड बस यार दिस इज वेरी गुड वाइल्ड, मिलता हूं तुम सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। We'll be right back.